स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज का जो ब्लॉग होगा ना वो भी बहुत लंच होगा, मतलब बहुत सस्ता लंच। इसका स्टार्टिंग प्राइस मैं बता दूँ, स्टार्टिंग प्राइस है 49 और एंडिंग प्राइस है 69। 49 में बहुत अच्छा अच्छा कॉम्बो मिल रहा है, बहुत अच्छा अच्छा कॉम्बो है। स्टार्टर आइटम भी है, मेन कोर्स भी है, आपको दिखा रहे हैं जो पीछे। और ये कोई मतलब कैफे नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कुछ नहीं है। देखो ये ट्रक है, फूड ट्रक का ऊपर देखो पीछे जो है, पीछे जो दिख रहा है वही है। वहाँ पर जाके दिखाते हैं आपको क्या क्या आइटम है, सब दिखाते हैं और क्या क्या आइटम है, कैसा टेस्ट है, सबको बताते हैं। सो गाइस देख लो, इनका सामने ट्रक के ऊपर ही सब मेन्यू लगा हुआ है। प्राइस देख लो, 49 से स्टार्ट है, 69 में ख़त्म है। देखो अच्छा से देख लो, चिकन टिक्का कबाब भी है, केरिश्मी कबाब भी है, फिश का आइटम भी है, चिकन का आइटम भी है। फिलहाल फिश का आइटम रेडी नहीं हुआ है, तो मैंने पहला आइटम ऑर्डर दिया क्रिस्पी चिकन। अगला खाते को 59 नाम है, 5 पीस का 59। अगला खा के आपको टेस्ट बताते हैं, मेन कोर्स में भी कुछ खाएंगे। तो पहले ये देख लो, पहले क्रिस्पी चिकन खा के देखते हैं। मेरे को मन था फिश फ्राई खाने का, बट अभी फिश का आइटम कोई रेडी नहीं हुआ, सो अभी देते अगला खा के देखते। और सर टाइमिंग लोकेशन में सब बताता हूँ, पहले देख लो पूरा वीडियो। चिकन फ्राइज 5 पीस का दाम दिया 59। एक पीस का साइज़ देख लो, अच्छा से साइज देख लो, जो खा के देखते हैं टेस्ट कैसा है। ऊपर से ब्लैक पेपर पाउडर और चाट मसाला दिया हुआ है, खा के देखते टेस्ट कैसा है। टोमेटो सॉस जो है क्रिस्पी चिकन, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं है, बहुत मज़ा से क्रिस्पी होता है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है, आवाज़ आता है मुँह से, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है, टेस्ट अच्छा है। और देखो पूरा इसका अंदर ना पूरा फुल चिकन है, ये लंबा जो है ना पूरा फुल चिकन है, ऊपर से कोटिंग है, कोटिंग ज़्यादा मोटा नहीं है, देखो कोटिंग। और ये पूरा चिकन है, तो ये बहुत अच्छा कि चिकन का क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा है, 59 5 पीस चिकन का क्वान्टिटी बहुत अच्छा है। बट क्रिस्पी चिकन प्राइस नाम है, उतना क्रिस्पी नहीं है, ज़्यादा क्रिस्पी नहीं है। बाद बाकी सब अच्छा, टेस्ट अच्छा है, ये वाला खा लेते हैं, फिर जो ऑर्डर देंगे वो आपको दिखाते हैं, ये वाला खत्म कर लेते हैं। बस ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं है। चिली चिकन, इसका नाम है 49। 2 पीस चिली चिकन मिला है और वेज राइस मिला है। देखो चिली चिकन कलर ठीक लग रहा है, क्वांटिटी भी देखो ठीक ही है, ख़राब नहीं, क्वांटिटी भी ज़्यादा ऐसा नहीं कि कम है, क्वांटिटी ठीक है। 2 पीस चिली चिकन है और राइस, अब इसका टेस्ट खा के देखते टेस्ट कैसा है, तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। वेज राइस और चिली चिकन, मतलब राइस उतना भी अच्छा नहीं है, राइस में देखो गाजर शिमला मिर्च दिया हुआ है, बट राइस खाने में उतना अच्छा नहीं, नॉर्मल है। और चिली चिकन जो है वो चिकन ठीक है, गर्म है, बट हल्का फीका लग रहा है, थोड़ा सा मसाला वसाला की कमी है, ऐसे ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, ठीक ठाक है। 49 रुपीज़ दाम है, दाम के हिसाब से ठीक ठाक बोल सकते, राइस उतना अच्छा नहीं है, ग्रेवी के साथ खाओगे तो थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, चिकन अच्छा है, चिकन का पीस अच्छा है,
तो ये ठीक ठाक है। इसके बाद हम लोग लेंगे इनका जो फेमस आइटम है, तो वो अभी ये खा लेते, फ्लैपोरी खा लेते, इसका फेमस आइटम क्या है, ये ख़त्म कर लेते। ये आइटम ठीक ठाक है, 49 rupees दाम है, ठीक ठाक है। गाइस जो फ्राइड राइस है ना, इसमें मतलब नमक का कमी है, टूटा नमक नहीं हो सकता है कि आज गलती से नमक कम गया हो, हमेशा ना हो। नमक कम बेसी तो नॉर्मल है, कोई बात नहीं, कम कभी कभी कम हो जाता है, बट ये बस राइस थोड़ा फीका फीका लग रहा है और कुछ नहीं। चिकन का ग्रेवी भी हल्का फीका फीका है, चिकन ठीक है, चिकन गर्म है, चिकन का पीस ठीक है, अच्छा लग रहा है खाने में। कोटिंग ज़्यादा मोटा नहीं है, कोटिंग अच्छा है, तो ओवरऑल ठीक ठाक इसको बोल सकते हो, ठीक ठाक। और देखो यहाँ पे जो हरिन गटा मीट लिखा हुआ है, ये मतलब कोई तो मीट कंपनी है, उसी कंपनी का मीट ये लोग यूज़ करते हैं। देखो हर एक मेन्यू में लिखा हुआ है, मेरे को नहीं पता बट मैंने पूछा तो बोला कि ये कोई मीट कंपनी है। और देखो वेज राइस खा लिया, अब इसका जो फेमस डिश है वो है बसंती पुलाव और चिकन कसा, 59 दाम है। ये हम लोग ले चुके हैं बसंती पुलाव और चिकन कसा, खा के देखते हैं। फ्राइड राइस उतना मेरे को अच्छा नहीं लगा, ठीक ठाक लगा, ख़राब भी नहीं बोलेंगे, ठीक ठाक लगा मेरे को, तो फीका फीका लग रहा है चिकन भी और राइस भी। अभी पुलाव खा के देखते हैं कैसा है, और क्रिस्पी चिकन जैसा मैं आपको बोला कि उतना क्रिस्पी नहीं है, तो बसंती पुलाव खा के देखते हैं कैसा है। अगर ये इनका सबसे फेमस है, ये इनका सबसे फेमस जो आ रहा है वो यही खा रहा है, पुलाव और चिकन कसा, तो वाला खा के देखते हैं। देखो 59 दाम है इसका, तो जब आते तब आपको दिखाते हैं। सो थर्ड आइटम और इनका सबसे फेमस डिश, चिकन पुलाव और पुलाव और चिकन कसा, बसंती पुलाव और चिकन कसा, दो पीस चिकन कसा है। और पुलाव का क्वान्टिटी को क्वान्टिटी ठीक है, इसका प्राइस है 59। ये वाला खा के देखते देख के अच्छा लग रहा है, इसका स्मेल अच्छा आ रहा है। देखो ऊपर से 4-5 पीस किशमिश दिया हुआ है, तो ये वाला खा के देखते कैसा है। चिकन देख के अच्छा लग रहा है, स्मेल अच्छा आ रहा है, तो ये खा के देखते कैसा है। ये इनका सबसे फेमस आइटम है, राइस और वो चिकन के बारे में बोल दिया, तो ये वाला खा के देखते कैसा है। ये इनका सबसे फेमस है। ये जो आइटम है, ये जो इनका फेमस है, सच में अच्छा है, इसलिए फेमस है, ये खाने में अच्छा लगा मेरे को। राइस मेरे को फीका फीका लग रहा था, क्रिस्पी चिकन क्रिस्पी उतना नहीं था, बट ये खाने में मस्त है। पुलाव एक मीठा मीठा लग रहा है, बसंती पुलाव ऐसे ही मीठा होता है, चिकन का सगा टेस्ट बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है। ये आइटम खाने में बहुत मज़ा आ रहा है, ये अच्छा लगा मेरे को। इसका क्वान्टिटी ज़्यादा है, राइस से फ्राइड राइस से क्वान्टिटी इसका ज़्यादा है, तो ये वाला आइटम अच्छा है, ये आप आगे खा सकते हो। इसका प्राइस दिया 59, ये आप आगे जरूर ट्राई कर सकते हो, ये आइटम अच्छा है। पुलाव पूरा खा लेते, चिकन दो पीस है, चिकन का पीस उतना बड़ा बड़ा नहीं है, बट ठीक है 59 के हिसाब से ठीक है। ये वाला खा लेते 59, 60 rupees के हिसाब से ठीक है। ऐसे नॉर्मल बहुत सारे स्ट्रीट फूड का जो थाली होता है वो सब भी 55-60 ऐसे दाम लगता है, तो ये ठीक है, ये वाला खा लेते, फिर आपसे बात करते हैं। सो बस खाना पीना हो गया, मैं इसका लोकेशन बता दूँ, एग्जैक्ट लोकेशन ये है गड़ियाहाट, गड़ियाहाट का जो बाज़ार को एम बाज़ार या फिर बाज़ार कोलकाता बोलो, देखो बाज़ार कोलकाता और एम बाज़ार ठीक, उसका एकदम अपोजिट में ये फूड ट्रक लगा हुआ है, हर दिन खुला रहता है एकदम एम बाज़ार का ऑपोजिट में, वो एम बाज़ार कट्टी के एकदम ऑपोजिट में, गड़ियाहाट एम बाज़ार का ऑपोजिट में ये फूड ट्रक लगा हुआ है। सर टाइमिंग बता दूँ, दोपहर को 1 बजे खुलता है, 1 बजे मत आना, 2 बजे आना, बिकॉज मैं 1:15 में आया तो रेडी नहीं हुआ था। 2 बजे आना, 2 बजे से लेके शाम का रात का 9:30 बजे तक खुला रहता है, तो दोपहर का 2 बजे आना, 1 बजे बोला 1 बजे खुलता है, बट 2 बजे आना, 2 से लेकर रात का 9:30 बजे तक। सो बस खाना पीना हो गया है, मैं बता दूँ इनका जो मतलब जो सब कुछ थाली और कॉम्बो बोलो स्टार्टर बोलो सब कुछ सस्ता था, आपको दिखा दिए। टेस्ट मतलब एवरेज था, जो बसंती पुलाव और चिकन कसा था वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, बट वो राइस और चिकन फ्राई का क्रिस्पी चिकन का उतना मतलब कुछ खास नहीं, ठीक ठाक फीका था, ठीक ठाक था उतना मतलब बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे, बट बसंती पुलाव बहुत अच्छा था, वो उनका फेमस डिश जो आ रहा है वो वही ले रहा है। और मैं मतलब 3 आइटम खाए, टोटल बिल हुआ 167। मैं बता दूँ अभी बहुत सस्ता में हो गया, ऐसे समझ हम जो थाली वगैरह खाते हैं, थाली वगैरह का जो व्लॉग है वो भी खाते हैं, तो 200 rupees के आसपास हो जाता है, बट ये 167 में बहुत हो गया, तो ये सस्ता में अगर और एक प्लेट में एक आदमी आराम से खा लेगा, ऐसा नहीं कि क्वान्टिटी कम है, आराम से खा लेगा, तो यहाँ पर आप आगे आराम से खा सकते हो। लोकेशन भी बहुत ईजी है और मतलब एवरीडे खुला रहता है, सो दोपहर से 1 बजे मत आना, 2 बजे आना, 2 से लेकर रात के 9:30 बजे तक हर दिन खुला रहता है, 2 आदमी रहता है, भीड़ भाड़ रहता है, लंच के टाइम पर ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है, तो यहाँ पे आके बाहर खा सकते हो। बसंती पुलाव जरूर खाना, वो एक आइटम मेरे को अच्छा लगा, जो 2 आइटम खाया अच्छा नहीं लगा,
तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। अब आप लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।